हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट, जो कि हमारा केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है। लास्ट चैप्टर में हमने बॉन्ड पैरामीटर्स कंप्लीट कर लिए थे। हमने चार बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़े थे, वो लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो चुके हैं। जो भी मेरे चैनल पर नए बच्चे हैं, वो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। सो केमिकल बॉन्डिंग का हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं आज, डाइपोल मोमेंट। फर्स्टली वी नो अबाउट व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज अ मेजर ऑफ द सेपरेशन ऑफ टू अपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्जेस और इट मेजर द नेट पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। अब इसको समझिए कि डाइपोल मोमेंट होता क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाइपोल मोमेंट क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ द सेपरेशन ऑफ टू अपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्जेस। मतलब जब भी हम एक एटम लेंगे और उस एटम के बीच में जो भी सेपरेशन होगी, सेपरेशन कब होगी? जब एक नेगेटिव होएगा और एक पॉजिटिव, मतलब या तो वो पोलर होएगा या नॉन पोलर होएगा, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होएगा अपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्जेस, मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, उनके बीच का जो सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस है, उसको हम बोलेंगे डाइपोल मोमेंट। या फिर इसको हम बोल सकते हैं इट इज मेजर द नेट पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब उसकी नेट पोलैरिटी कितनी है, उसको भी हम डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। ठीक है जी। तो डाइपोल मोमेंट की नोटेशन क्या है? इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। इसको क्या बोलते हैं? म्यू। और इसका फॉर्मूला क्या है? म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी। क्यू क्या है? चार्ज, और डी क्या है? डिस्टेंस। ये इसका फॉर्मूला है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो हमें कई बार म्यू फाइंड करना होता है, तो हमें चार्ज और डिस्टेंस की वैल्यू गिवन होती है, या इसमें से किसी भी दो की वैल्यू गिवन होगी और हमें तीसरे की फाइंड करनी होगी। कई बार एमसीक्यू भी पूछ लेते हैं। तो डाइपोल मोमेंट का यूज क्या है? मेनली इसके तीन यूजेस हैं। एक तो ये पोलैरिटी बताती है, दूसरा ये बताती है कि इस पे जो आयनिक चार्ज है, परसेंटेज ऑफ आयनिक चार्ज वो कितना है, और ये थर्ड नंबर पे बताती है कि मॉलिक्यूल की शेप कौन सी है। ठीक है, तो इसलिए हम डाइपोल मोमेंट यूज करते हैं। आगे हम कुछ एग्जांपल्स लेके समझेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर होएगा और कौन सा नॉन पोलर। मेनली हमें डाइपोल मोमेंट यही बताती है कि कौन सा पोलर है और कौन सा नॉन पोलर। अब आगे क्वेश्चंस आते हैं कि पोलर हमें क्यों चाहिए, कि हमें क्यों पता लगाना है कि ये पोलर है नॉन पोलर है, हमें क्या जरूरत है, वो सब आगे हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो देखिए इसका एक एग्जांपल पढ़ते हैं हम। और एक और बात जो है हमारे इसमें, डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इट डायरेक्शन ऑलवेज, इसके कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, ये नहीं है कि इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। इसका मतलब आगे आपको डायग्राम्स में समझ आएगा कि डायरेक्शन की बात कैसे हो रही है और कैसे नहीं हो रही। तो डायरेक्शन कैसे जाएगी, ये आप यही समझ लो, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। तो डायरेक्शन इसकी जाएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उससे डायरेक्शन जाएगी टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जब हम आगे डायग्राम समझेंगे, तब यहाँ पे जब भी डाइपोल मोमेंट का हम नोटेशन या निशान बनाएंगे, तो कैसे होएगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये हमें बताती है कि कौन सा पोलर है और कौन सा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो आइए आज हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं। तो डाइपोल मोमेंट हम कंप्लीट करने के बाद एमओटी स्टार्ट करेंगे। और मेरे कुछ बच्चों के क्वेरीज भी आ रहे हैं कि मैम आप बीएससी लेवल के क्वेश्चन आंसर भी करा दीजिए, और एक दो टॉपिक और है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक पीरियडिसिटी पे, वो भी हम धीरे धीरे कर लेंगे। बट आज हम डाइपोल मोमेंट के बाद ये खत्म करके एमओटी, वो भी मेरे एक स्टूडेंट का क्वेरी था, वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, HF और HH दो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। HF देखो, यहाँ पे हमें पता है फ्लोरो ऑक्सीजन N, मतलब फोन, ये आप याद रखना कि जो F फ्लोरिन, O ऑक्सीजन, N क्या है? नाइट्रोजन। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इन होल पीरियोडिक टेबल। अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, अगर आपको पीरियोडिक टेबल नहीं भी याद, तो उसका मैंने एक लाइव सेशन भी दिया हुआ है, वो आप देख सकते हो। उसमें मैंने ट्रिक बताई है कि पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करना है। तो ये याद रखना कि ये तीन जो एटम्स हैं, ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सबसे पहले फ्लोरीन,
फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो एग्जांपल लिया हमने एक फ्लोरीन और हाइड्रोजन का लिया, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है तो इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव। और डाइपोल मोमेंट का निशान किस तरफ जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कुछ ना कुछ सेपरेशन होगी पॉजिटिव और नेगेटिव के, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे डाइपोल मोमेंट, जो कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने नेगेटिव चार्ज क्यों लगाया, क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इसलिए। और इन दोनों पे जो सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो रही है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे म्यू, यानी कि डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इनके बीच में क्या है, सेपरेशन हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो आगे आपको और भी ज्यादा समझ आएगा कि पोलर और नॉन पोलर हम कैसे फाइंड करते हैं। आगे देखिए HH का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब ये दोनों सेम एटम्स हैं। अब जब सेम एटम है तो किसी पे भी नेगेटिव और किसी पे भी पॉजिटिव नहीं आ सकता। इन दिस नो पार्शियली नेगेटिव और द पॉजिटिव चार्ज, सो इट इज अ नॉन पोलर, क्योंकि इसमें चार्ज सेपरेशन ही नहीं हो रही। जब चार्ज सेपरेशन ही नहीं हो रही तो ये सब्सटेंस क्या है, सॉरी ये मॉलिक्यूल कौन सा है, नॉन पोलर, ठीक है जी। तो जिसमें चार्ज सेपरेशन हो वो क्या है, पोलर मॉलिक्यूल, और जिसमें चार्ज सेपरेशन ना हो उसको हम बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है जी। आगे हम और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ जिससे आपको और भी ज्यादा क्लियर होएगा। ये देखिए यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। ये देखो यहाँ पे पहले हमने कोई भी एक बॉक्स ले लिया, मान लो वुडन बॉक्स ले लिया जो कि बहुत भारी है। तो अगर हम उस वुडन बॉक्स पे मान लो फोर्स लगाते हैं, इस साइड भी हम फोर्स लगा रहे हैं, इस साइड मान लो धक्का दे रहे हैं 5 न्यूटन फोर्स पे, और दूसरी तरफ इस साइड से भी धक्का दे रहे हैं। मान लो एक बंदा यहाँ पे खड़ा है और एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, वो इस तरफ से भी धक्का दे रहा है, इस तरफ से भी धक्का दे रहा है। जब दोनों तरफ से फोर्स लग रही है तो नेट फोर्स क्या होगी, जीरो। जब नेट फोर्स जीरो हो तो उसकी डाइपोल मूवमेंट भी कितनी होगी, जीरो। अब जब डाइपोल मूवमेंट जीरो है तो वो पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, वो हम देखते हैं आगे। पहले आप सारे एग्जांपल्स देख लो। अब यहाँ पे भी एक वुडन बॉक्स है, ठीक है। तो वुडन बॉक्स में अब मान लो ये इधर से भी फोर्स लग रही है, इधर से भी लग रही है और इधर से भी लग रही है। जब तीनों साइड से सेम फोर्स लग रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, नेट फोर्स जीरो। अब जब नेट फोर्स जीरो है तो म्यू मतलब डाइपोल मोमेंट भी क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे सेम वुडन बॉक्स हमने लिया। अब मान लो एक बंदा बहुत कमजोर सा है, बेचारे से धक्का ही नहीं लग रहा, तो उसने सिर्फ फोर्स लगाई 5 न्यूटन, और जो दूसरी तरफ पर्सन खड़ा है उसमें बहुत जोर है तो उसने बहुत ज्यादा फोर्स लगाई, मान लो 15 न्यूटन। अब एक तरफ से ज्यादा जोर वाला धक्का लग रहा है, एक से कम वाला लग रहा है, और ऑब्वियस ही बात है जिसमें ज्यादा जोर होएगा वो वुडन बॉक्स उसी की तरफ जाएगा। अब इस तरफ से ज्यादा फोर्स लग रही है तो इस तरफ ही जाएगा वुडन बॉक्स, तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स होएगी। अब जब कुछ ना कुछ फोर्स होएगी तो उसकी डाइपोल मोमेंट भी होगी, मतलब क्या होगा यहाँ पे कि जो नेट फोर्स है वो नॉट इक्वल टू जीरो है और डाइपोल मोमेंट भी नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसे ही हमने ये एग्जांपल लिया फोर्थ की, एक तरफ ज्यादा लग रही है फोर्स और दोनों तरफ कम लग रही है, तो ऑब्वियस ही बात है इसमें भी क्या होगी, कुछ ना कुछ फोर्स होएगी। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो और म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अगर मैं ज्यादा फास्ट पढ़ा रही हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कोई भी क्वेरी, और मुझे बोल भी सकते हो कि आप धीरे पढ़ाओ, ठीक है जी। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये हमने एग्जांपल्स लिए हैं। आगे देखिए, इफ नेट फोर्स इज जीरो, अब हमने पढ़ लिया कि अगर नेट फोर्स जीरो है तो उसकी डाइपोल मोमेंट भी क्या होगी, जीरो। और ये बात बहुत ध्यान से पढ़ना और बहुत ध्यान से याद रखना इसको, कि अगर उसकी नेट फोर्स जीरो है तो ऑब्वियस ही बात है डाइपोल मोमेंट भी जीरो होएगा, और अगर डाइपोल मोमेंट जीरो है तो मॉलिक्यूल क्या होएगा, नॉन पोलर, ठीक है जी। अगर फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो है तो डाइपोल मोमेंट भी नॉट इक्वल टू जीरो होएगा, तो जो मॉलिक्यूल है वो क्या होएगा, पोलर, मतलब उसमें कुछ ना कुछ चार्ज सेपरेशन होएगी क्योंकि वहां पे नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। आगे हम तीन तरह के मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, डायटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है जी। तो उसके लिए हम सबसे पहले लेके चलते हैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में देखिए ए बी टाइप के मॉलिक्यूल्स आएंगे। इसमें दो तरह के होते हैं, ये होमोटॉमिक मॉलिक्यूल और एक होता है हेटरोटॉमिक मॉलिक्यूल। अब होमो मतलब सेम, हेटरो मतलब डिफरेंट। अब जो सेम एटम से बना हो उसको हम बोलते हैं होमोटॉमिक, और जो हेटरोटॉमिक है वो उसमें क्या होंगे, डिफरेंट एटम्स होंगे, ठीक है जी। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के दो पार्ट्स मैंने आपको बता दिए, होमोटॉमिक हेटरोटॉमिक, इसकी एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, और आपको मैंने एक और बताया था डाई पॉलीएटॉमिक और ट्राईएटॉमिक, ठीक है, डाई ट्राई और पॉली, ये तीनों हम मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे और इसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे। नाउ इसके एप्लीकेशंस हो जाएंगे और इसका आयनिक करेक्टर और शेप्स पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन और पोलर और नॉन पोलर क्या होता है उसके हमने एग्जांपल्स देखे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहिए, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राईएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। सो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।